सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की न्यू एग्ज़ाम डेट जो है आ चुकी है। कब एग्ज़ाम होगा ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और पहले भी ये एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो चुका है, और अभी क्या नया अपडेट है इसमें वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको ले चलता हूँ। navodaya.jb.in ये वेबसाइट है, और यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ अभी भी ये जो पुराना वाला नोट है जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे, ये चल रहा है। जो पुराना एग्ज़ाम डेट था 19/6/2021 को जो एग्ज़ाम होना था कि ये कैंसिल कर दिया गया है, और नई जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले जो है बताई जाएगी जो सिलेक्शन टेस्ट होगा। तो यहाँ दोस्तों अभी कुछ नया अपडेट नहीं दिखने को मिलता है, लेकिन जो न्यूज़ है, न्यूज़ में कुछ नया आपको देखने को मिल सकता है। वो क्या न्यूज़ है मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि इसका एग्ज़ाम जो है होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं दोस्तों इस न्यूज़ में, JNVST 2021 तीसरी बार टली जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, अब जुलाई में हो सकती है परीक्षा। तो ये आप देख सकते हैं नया अपडेट आप सभी लोगों के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा है वो पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन जो नई एग्ज़ाम डेट है वो अब जो है आपको नई एग्ज़ाम डेट जो है जल्द से जल्द आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल सकती है। और यहाँ आप देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा फिर से टाली गई, और नई एग्ज़ाम डेट जो है बताई जाएगी। तीसरी बार जो है स्थगित हो चुकी है, और जुलाई में जो है अब परीक्षा हो सकती है। तो क्योंकि दोस्तों ये जुलाई चल रहा है, इसी महीने आपकी जो है एग्ज़ाम हो सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम। और ये इसमें बताया गया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है स्थगित कर दिया गया है, और जो 19 जून को होना था वो स्थगित किया गया है। और इसमें एक नोटिस दिया गया है वेबसाइट में कि स्थगित कर दी गई है, और क्लास 6 के एडमिशन के लिए जो है 16 मई को और 19 जून को एग्ज़ाम होना था, जो कि कैंसिल कर दिया गया है। और अब जो है कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा जुलाई माह में करवाने की संभावना है। और जो कैंसिल की गई थी वो थी प्रशासनिक कारण बताए गए थे, जबकि ये जो है कोरोना के कारण जो है स्थगित की गई थी। और नई एग्ज़ाम डेट जो है जवाहर नवोदय विद्यालय के अनुसार परीक्षा से 15 दिन पहले घोषित की जाएगी, और उसके जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो है देश भर के जो टोटल जो 48,000 सीटों के लिए जो है एडमिशन होते हैं, जिसके लिए कि 30 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने जो है रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो दोस्तों, आपकी जो नई एग्ज़ाम जो डेट है वो जल्द से जल्द अब आने वाली है, क्योंकि परीक्षा से 15 दिन पहले जवाहर नवोदय विद्यालय ने एग्ज़ाम डेट घोषित करने के बारे में बताया हुआ है। और इसमें जैसे कि न्यूज़ में आप देख रहे हैं जुलाई बोल रहा है न्यूज़ में, और अभी ये भी जो है आपका कैंसिल हो सकता है, रीशेड्यूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। लेकिन जिन परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है वो अपनी तैयारी जो है पूरी कर लें, और जो है आपका जो एग्ज़ाम है उसको जो है पूरा करने की जो है पूरी तैयारी आप अभी से करनी शुरू कर दें। तो इसके बाद दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा जो है जारी किए जाएंगे एग्ज़ाम से 15 दिन पहले। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, फिर इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड इसी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट हैं, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।